क्या करें, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है। तेरी ड्रेस है, तू ही ले क्या? अरे मैं नहीं भाई। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज का व्लॉग काफी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। पीयूष स्कूल से आ गया है और आज हमारे घर पे आए हैं वॉइड सर एंड इनके भैया अभय भैया। तो अभी फिलहाल हम लंच कर रहे हैं, काफी देर हम बातचीत की। और आप वॉइड सर को जानते हो कि हमारे साथ में गाना भी किया था और MTV हसल में भी आपने देखा होगा, और काफी मस्त मस्त गाने भी हैं इनके। तो हाँ, हम प्लान कर रहे हैं साथ में कुछ, और इसलिए आज आए थे और डिस्कशन करा काफी। अभी फिलहाल खाना खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहाड़ी रायता, पहाड़ी रायता, कढ़ी चावल, राजमा चावल। और पीयूष का सेकंड डे था स्कूल में, कैसा रहा? आज कल से ज्यादा मजा आया, बिकॉज़ आज ने फुटबॉल मैच भी खेला, टाइकोंडो भी। टाइकोंडो सर फोर्थ में। आज का व्लॉग देखो कब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 3:20 हो गए अब स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह भी हमारे घर में कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ गए थे, उनसे मिले, और अभी फिर वॉइड सर आ गए थे तो उनसे मिले, तो व्लॉग करना ही भूल गया मैं आज। सुबह सभी का सीन है कि अभी हम जा रहे हैं मेरी ड्रेस लेने के लिए, बिकॉज मेरे को स्कूल में 2 दिन हो गए और मैं ऐसे ही नॉर्मल घर के कपड़ों में जा रहा हूँ, बट उससे सब मतलब ड्रेस में और मैं नॉर्मल ऐसे असेंबली में ऐसे हूँ मैं, तो बहुत अजीब सा लगता है। तो चलो ड्रेस लेने के लिए चलते हैं। तो फिलहाल अभी हम स्कूटी में जाएंगे, तेरे को पता तो है ना कौन सी ड्रेस? हाँ है? मैंने शॉप भी पता चल रही है कहाँ से मिलती है। तो सिर्फ पीयूष और मैं ही जाएंगे, बिकॉज स्कूटी में 2 ही लोग आ सकते हैं ना। आज फर्स्ट टाइम मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाऊंगा कहीं बाहर। मैंने वैसे तो चलाई है सोसाइटी में, लेकिन मैं सोसाइटी से बाहर नहीं ले गया कभी इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो आज चला के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इलेक्ट्रिक स्कूटी का। तो चलो गाइस निकलते हैं। ठीक है चलते, फिर आप भी चलो। ओ भाई कितनी मस्त आवाज ही नहीं आ रही इसमें, तो व्लॉग कर सकते हैं अच्छे से यार। इको फ्रेंडली है, आप लोग को यूज करनी चाहिए यार ये। चलो आज टेस्ट करते हैं फिर बताऊँ कैसे लगी, नहीं तो इसी को यूज़ करेंगे बाइक की जगह पे। तो अभी आ चुके हैं मेन रोड पे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके, देखते हैं कितना भागती है। 42 भाग गई भाई, 44। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 46, देखो 46 से ऊपर नहीं जा रही है। सही है यार, 46 भी देखो नॉर्मल सही चल रही है अपनी गाड़ी भाई, सही है लोकल चलाने के लिए। मैंने तो फर्स्ट टाइम चलाई जब से ली है भाई, अब से यूज़ करूँगा मैं इसको। सबसे बड़ी बात तो आवाज़ ही नहीं आ रही, मैं अच्छे से व्लॉग कर सकता हूँ, मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी आपको। हाँ एक चीज़ है, ओवरटेक नहीं कर सकते एकदम से। देखो ओवरटेक करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा राइट में कुछ आ तो नहीं रहा, कुछ नहीं आ रहा। आ रही है भाई गाड़ी, आ रही है, वैसे काफ़ी दूर है बट फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए यार, कहीं ठुक जाएगी। अब कर सकते हैं ओवरटेक, अब कर सकते हैं क्या? सामने से JCB आ रही है, कर लिया कर लिया कर लिया। इस गाड़ी को ओवरटेक करना है, हो जाएगा क्या 40 की स्पीड में? नहीं हो पा रहा, आगे से ट्रक आ रहा है। ओ ये था परफेक्ट एग्जाम्पल कि हम ओवरटेक कर ही नहीं सकते भाई, नहीं कर पा रहे भाई आगे से फिर भाई, ये तो डेंजरस है। ये स्कूटी है नॉर्मली चलने के लिए भाई, ओवरटेक करने के लिए नहीं है स्कूटी। बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ ओवरटेक करने का, इस गाड़ी को ओवरटेक ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। देखते हैं कर पाते हैं या नहीं आगे जाके। ओ भाई कर लिया, ओ भाई कर लिया ओवरटेक, कर लिया कर लिया ओवरटेक कर लिया। गाइज मैंने ओवरटेक नहीं करा, वो आइसक्रीम वाला आगे आ गया था, उनको रोकनी पड़ी और मैंने निकाल ली इतने में। चलो मार्केट तो पहुँच गया, अब ढूंढते हैं शॉप, स्कूल यूनिफॉर्म यही तो है। ओ भाई यहाँ तो खतरनाक भीड़ हो रही है, क्या करें यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है। तेरी ड्रेस है, तू ही ले क्या? मैं नहीं भाई, उनको बोल पीयूष जोशी की ड्रेस दो। चलो अब लेनी है तो चलते हैं भीड़ में और जाके लेते हैं, अभी तो कुनाली के लेने भी आना पड़ेगा। सो गाइस अभी सर भीड़ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ओ घुसे 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 घुसे, रश देखो बस लिटरली दूर दूर तक, और नीचे तो और भी ज्यादा है उससे, नीचे मिलेगी नीचे। चलो ये हम पहुँच गए नीचे और यहाँ पर भी भीड़ देखो, परफ्यूम मिलेगा ये जाएगा तेरे को। हाँ तो ना जी, तो भी हम आए शूज लेने के लिए। तो अभी गाइस फाइनली पीयूष की ड्रेस ले लिया, 3 बैग हैं, अब चलते हैं। अरे मैं कैसे पकड़ूंगा इसको, तू ही पकड़ भाई। भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, इतनी मुश्किल से हमने ड्रेस ली है लेकिन फाइनली ले ली है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत रह गई है जो कि मंडे को मिलेगी। यार जूस पीने का मन कर रहा है यार। भाई साहब इतनी महंगी स्कूल ड्रेस मेरे बारे में भाई, 100 रुपये की मम्मी शर्ट, 100 रुपये की। हेलो, अच्छा इनके पास भी इलेक्ट्रिक है, पूछते हैं इनसे क्या क्या रिव्यू है इनका। कब से चला रहे हो, कब से? कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है? बढ़िया, मैं भी आज फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। पापा जी की गाड़ी है ना? हाँ ये पापा जी की है, हमें आज फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैं, ट्राई कर रहा था और मुझे काफ़ी सही लग रही है। हम अभी यूनिफॉर्म लेके आए थे पीयूष की। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, पुलिस नहीं रोकती ना पुलिस, चाहे ट्रिपलिंग करो चाहे 4 जने जाओ 5 जने जाओ कितने ही जाओ। अच्छा कह रहे थे 1 जने को और बिठाओ। ओह वाह बाय गाइस, मुझे एक चीज़ क्लियर नहीं है कि मतलब इस स्कूटी में पुलिस रोकती नहीं है, चालान नहीं करता, तो हमको हेलमेट डालना चाहिए? मुझे तो पता है वैसे डालना चाहिए, अगर रोड पे हम निकलते हैं साइकिल पे भी निकलते हैं तो हेलमेट तो डालना चाहिए, ठीक है। ऊपर से बात है ट्रिपलिंग की, ये 3 जने बैठो 4 जने बैठो तो ये भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये मुझे क्लियर नहीं है। कमेंट कर बताना आप क्या सोचते हो इस बारे में। बाकी गाइस हमने तो दोनों ने हेलमेट डाल रखा है, पीयूष ने भी मैंने भी, चाहे हम इलेक्ट्रिक में हो चाहे कुछ भी हो, हम तो हेलमेट डालते ही डालते हैं भाई, बिकॉज सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रोड पर इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, दो मौसमी जूस। थैंक यू भैया, घर जाके स्कूल ड्रेस डाल के दिखाइयो।
ठीक है चलो जूस भी पी लिए अब चलते हैं घर। अरे दूध वाले भैया मुझसे आगे निकल गए, गजब बेइज्जती है यार। सोसाइटी तो पहुंच चुके हैं, अब मैं आपको रिव्यू दूंगा कि कैसी लगी मुझे चलाने में ये। थार अपनी यहाँ खड़ी है, इनोवा अपनी यहाँ खड़ी है, वहाँ चल के रिव्यू करेंगे। तो हाँ यहाँ पे ठीक है, तो आज आपने देखा होगा मैंने अराउंड 17-18 किलोमीटर चलाई है स्कूटी, और जो एक्सपीरियंस था वो आपको शेयर करूँगा। तो चलाने में काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, बस पावर नहीं है इसमें बिल्कुल भी, ओवरटेक नहीं कर सकते, और बाकी सब कुछ बढ़िया लगा। तो ये पापा जी चाचा जी को सिखा रहे हैं। तुमने कहाँ गिराई थी? मैंने कहाँ गिराई है? ये सारा शीशा टेढ़ा हो रहा था। मैंने नहीं गिराई, अभी ठीक करी हमने। शीशा टेढ़ा था, मैंने नहीं गिराई, गिराई नहीं मैंने, टेढ़ा ही था, टेढ़ा था शीशा। दादाजी आप भी सीखोगे? नहीं हो क्यों? हटा सीख जाओ यार आप भी। यार नहीं, साइकिल चलानी नहीं आती है। साइकिल भी नहीं आती? नहीं तो साइकिल ठहरी नहीं कहाँ से चलाते। दादाजी के टाइम में दादाजी के पास साइकिल भी नहीं होती, इसलिए चलानी नहीं आती दादाजी को। अब क्या ही करोगे, चलाना कहीं जाना होगा तो हम लेके जाएंगे आपको। तो साहिल भी कॉलेज से आ चुका है, ये भी काफ़ी लेट हो गया, और अब देखो अब खा रहा है खाना भी, शाम को खाना खा रहा है। तो हाँ कहीं चलते हैं यार, घर में बोरिंग सा लग रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा बहुत दिनों से घर में ना, बोरिंग सा लग रहा है। पीयूष की 2 दिन की छुट्टी है स्कूल की, तो जा सकते हैं 2 दिन के लिए। रात को प्लान बनाते हैं कहीं जाने का, फिर कल सुबह निकलते हैं। सुबह से अभी ड्रेस तो ले आए थे, तो अभी ड्रेस डाल के देखता हूँ कि कैसी लगती है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल ड्रेस डाल के स्कूल जाने के लिए, बट कल तो छुट्टी है। जब देखो वीडियो वीडियो। अब से पीयूष ऐसे ही रेडी होकर रोज स्कूल जाएगा। टाई का नोट बांधना आता है? बहुत ईजी होता है भाई, सीख ले। देख इसको इस तरह से करके, मन तो करता है भाई स्कूल जाने का, इतना मन करता है भाई, तेरे को देख के इतना मन करता है भाई स्कूल जाने का। तो इतने बढ़िया स्कूल में जा रहा है भाई, मेरे स्कूल में कुछ होता भी नहीं था भाई, इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटी है तेरे स्कूल में, मैं इतना मन करता जाने का, तुझे पता भी नहीं भाई। तुझे देख के मैं कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ, तुझे देख के इतना एक्साइटेड तू भी नहीं जितना मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ भाई। मस्त बनाई होगी, ले ले ट्राई कर डाल। तो गाइस फाइनली मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। क्या हुआ इसकी कितनी छोटी पैंट हो रही, देखी थी? छोटी हो रही है, बहुत ही छोटी। चेंज कर, चेंज डबल लानी चाहिए, फिट होके भी थोड़ी बड़ी लानी है ना इसके लिए, तो लंबाई बढ़ रही है उसकी, दो महीने में छोटी हो जाएगी वो। तो बड़ी बड़ी लानी है बेटा, इससे बड़ी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब ये तो दो तीन नंबर, ये इसको यहाँ आइए, देख यहाँ, यहाँ भी नहीं यहाँ पर आइए, चुप जा, मैंने देखी अभी डाले। तो गाइस मम्मी जी को पसंद आई, मम्मी कह रही छोटी है थोड़ी बड़ी लेके आओ, अब जाएंगे वापस चेंज कराने के लिए। क्या बनाया मम्मी, क्या बनाया? तो मैं आलू रोटी और रायता खा रहा हूँ। चलो ठीक है मम्मी, मैं एडिटिंग करता हूँ, थैंक यू खाना बनाने के लिए, मजा आ गया, जय माता रानी। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, अब फिलहाल मैं एडिटिंग करूँगा और व्लॉग करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तेरा पिछवाड़ा सही से नहीं दिख रहा इसमें, पिछवाड़ा दिखाने जा रहा हूँ।